किसानों की शराब और जिसको बड़ी प्रशंसा के साथ अभी भी कुछ लोग रहे हैं कि मैंने तो 2006 में ही कर दिया। मैं अन्य बातों पे नहीं जा रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि बिहार में कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं दिया जाता था 2006 से पहले। ये भी कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट बिहार में होता ही नहीं था। आप लोग के माध्यम से न केवल मुख्यमंत्री जी को बल्कि बिहार की जनता जिस के सामने वो खड़े होकर बात कह रहे हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बिहार में प्रोक्योरमेंट आदरणीय लालू जी की सरकार के समय में 1994 में शुरू हुआ था, जिस समय रघुवंश वालों राज्य मंत्री बड़ी मुश्किल से कुछ समय इस कार्यक्रम को जो 65 से चल रहा है देश के पैमाने पर 1994 में बिहार में लागू हुआ और बिहार की अर्थव्यवस्था को दिशा मिली थी, खेती के उत्पादन की कीमत मिलनी शुरू हुई थी, गांव में खुशहाली आई थी, बिहार के मजदूरों का पलायन रुका था और 2006 तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से बिहार के सभी किसानों को एक स्तर पर कीमत धान और गेहूं का बना के रखा जाता था। लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री जिन्हें अपने स्वयं के कार्यों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में बिहार का इतिहास भी न मालूम हो, कभी कभी 15 सालों के सवाल उठाने वालों के लिए ये सबसे बड़ा चीज है कि 1965 से मिनिमम सपोर्ट प्राइस देश में चल रहा था लेकिन उसकी समझ आदरणीय लालू जी के पास ही आई थी और आदरणीय लालू जी ने उसे चालू कराया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना। अलग है कि शुरुआत के दिनों में थोड़ी मात्रा थी लेकिन 2005 आते आते ये 5 लाख टन से ऊपर जा चुका था और बिहार के किसानों के खेतों की पैदावार पहली मरतबा बिहार के उपभोक्ताओं के पास भी जाता था। अपना चावल और अपना गेहूँ अपने खेतों की पैदावार गांव के लोगों को मिलना शुरू हुआ था और कीमत में उनको मिलना शुरू हुआ था। अब मुख्यमंत्री जी को एक बात समझ में नहीं आ रहा है, बाजार समिति की खात्मा जब उन्होंने असेंबली में बिल लाया था उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था कि आज जो परिणाम सामने दिख रहा है प्रोसीडिंग का पार्ट है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था कि काम मत करिए, इस देश के कानून के मुताबिक यह किसानों का पावर सेंटर है और किसानों के पावर सेंटर को खत्म करना कहीं से कुछ नहीं है, लेकिन जिस तक आकर के उन्होंने इसी को खत्म किया। लेकिन आज तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा है एमएसपी एक गलत विषय और बाजार समिति अलग विषय। ये ठीक है कि सब पर एक साथ हमला हुआ है और उस हमले के क्या परिणाम होंगे, क्यों इस देश का किसान सड़कों पर आया है, क्या आगे रणनीति होगी मात्र बनती है राष्ट्रीय जनता दल की। मैं संक्षेप में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, केवल यादाश्त नीतीश कुमार जी को राजी करने के लिए कि 94 से लेकर 6 तक 12 साल जो योजना चली है उसको इन्होंने जहन्नुम में मिला और आज के दिन खुशी के किसान को एमएसपी पिछले 10 सालों से नहीं मिल रहा है। ये लूट का कारण लूट का आधार बन गया है और खेतों में जब पैदावार की कीमत नहीं मिलेगी तो मजदूरों को काम ही नहीं मिलेगा और पलायन होता रहेगा। पलायन का कारण भी है कृषि अर्थव्यवस्था को डूबती हुई व्यवस्था जिसके कारण है मिट्टी की शुरुआत। आगे क्या रणनीति होगी, क्या मूल समस्या है, क्या ये मिट्टी है, कहाँ परेशानी है, अनुरोध करता हूँ नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी से आप समझ के समक्ष अपनी पूरी सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथी
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू जी, मनोज झा जी, आलोक मेहता जी, कारी शोहेब साहब जी, आप सब लोगों को विषय पता चला होगा कृषि बिल को लेकर के। उसके विरोध में हम लोगों ने 25 सितंबर को सड़कों पर प्रदर्शन किया था। मैंने खुद भी ट्रैक्टर चलाने का काम किया था और ये विषय सिर्फ बिहार के सामने ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने आया। फिलहाल के दिनों में जब से ये मौजूदा सरकार एनडीए सरकार मोदी जी की सरकार चल रही है, तब से आप लगातार देखेंगे जितने भी एयर इंडिया हो, रेलवे हो, आपके भारत पेट्रोलियम हो, सारी चीज़ों को जो है बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, सबका जो है निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। हम बिहार के किसानों और किसान संगठनों से हम अपील करना चाहते हैं, चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीढ़ियों की बात हो या भविष्य की बात हो, हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को आप मजबूत करें। आप चाहे देखेंगे, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, सारे किसान जो हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी के हो, देश भर में किसानों में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार से। और ये वही सरकार है जो 2022 तक वादा किया है कि किसानों का जो है आय जो है दुगुना किया जाएगा। अब ये किसी के समझ के पड़े है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन, जो आपका मूल्य जो है, उसको ही समाप्त करने के बाद किसानों का आय दुगुना कैसे होगा? और हमने कई बिंदु बार बिल के कमियों को हम लोगों ने उजागर किया था, हाईलाइट किया था आप ही लोगों के सामने कि एक सेक्टर जो एग्रीकल्चर का, जो कृषि का जो बचा हुआ है, उसको भी प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। इसमें आप देखिएगा, ये सिर्फ प्राइवेट हाथों में सरकार कह रही है इसलिए दिया जा रहा है कि डायरेक्ट खरीद फरोख उसी से करेंगे, कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से। ये किसानों के लिए बेहतरी के लिए है, ये सरकार का ऐसा कहना है। हम सब लोगों ने पिछले सारे कानूनों को देखा, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सारे फैसलों को हम लोगों ने देखा। ये सरकार हमेशा आके कहती है कि इनके फायदे के लिए है, लेकिन फायदा जब 4 साल बाद 5 साल बाद पूछा जा रहा है तो कहने की स्थिति में नहीं है सरकार, जवाब नहीं देना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। और इस साफ उसी तरीके का कानून है कि आपको पूरी तरीके से ठगा जा रहा है। ये किसान विरोधी बिल है, जहां सबसे बड़ा जो किसानों का जो डिमांड अगर आप देखेंगे तो एमएसपी को लेकर के है कि सही मूल्य जो है फसल का वो किसानों को मिलना चाहिए। बड़ी संख्या में किसानों का हम लोगों ने सुना है कि आत्महत्या कर रहे, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ऐसा कानून लाना, क्योंकि देश का किसान मौजूदा सरकार के आने के बाद बेहद कमजोर हो चुका है और हमारा देश जो है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर में सेक्टर पर डिपेंडेंट है। लगभग 70 से 80% देश का हिस्सा या बिहार का हिस्सा
कृषि पर निर्भर करता है, जो अन्नदाता हैं, जो हमको आपको सभी लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाना जो है हम समझते हैं ये देश के खिलाफ है, हमारे किसानों के खिलाफ है। और हमने 25 सितंबर को हम लोगों ने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया। अभी आप सब लोग देखते होंगे कि किसान जो है सरकार से बातचीत चल रही है। कानून बनाने से पहले एक बार परामर्श कर लेना चाहिए, सरकार ने नहीं की, सबसे बड़ी भूल। अब एक दिखावटी एक स्क्रिप्ट प्ले किया जा रहा है कि सरकार जो है किसानों के हित में है। जब सरकार कह रही है कि MSP जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, तो लिखित तौर पे हमारे किसान भाइयों को क्यों नहीं दिया जा रहा, लिखित पे क्यों नहीं दिया जा रहा? कल भी हम लोगों ने देखा कि बातचीत का दौर जो है वो चला, लेकिन किसानों ने ना तो पानी वहां का पिया ना तो खाना खाया। और इस तरह सरकार ने व्यवहार किया, जब आप पीसफुली आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो क्या क्या जो है लाठी से लेकर के आंसू गैस से लेकर के पानी के बौछारों से लेकर के इस आंदोलन को कमजोर रोकने की पूरी साजिश चल रही। ये अपने ही लोग हैं किसान जो सबका पेट पालने का काम करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार में जहां APMC का सवाल है, जो मंडियों की सवाल है, वो 2006 में ही जो है रद्द कर दिया। अभी आप देखिएगा बिहार के किसान जो है पलायन करने पर मजबूर हैं, अपने किसानी छोड़ दिए हैं, मजदूर बन चुके हैं। मजदूरों की ऐसी स्थिति है कि बाहर पलायन करना पड़ रहा है उनको भी बड़ी संख्या में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सब लोगों का फटकार आया, फिर भी ये सरकार जो है रोजगार नहीं दे पाई। अब जब मंडी जब खत्म हुआ तो इससे किसान हमारे कमजोर चलते हुए गए, जो मूल्य जो सही मिलना था वो नहीं मिल पा। अभी बिहार में दो चीजों का ही MSP है, दो फसलों। अभी धान की बात चल रही है, हम लोगों ने विधानसभा में इस बात को उठाया, पूरे विपक्ष के लोगों ने गोलबंद होकर के। अब धान की कीमत क्या है, मिनिमम जो है MSP का अगर बात किया जाए तो 1850 रुपये है। कहीं भी बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये कृषि रोड मैप बना रहे हैं, लेकिन उनको तो ये भी आंकड़ा देना चाहिए बिहार के लोगों को कि आखिर कितने मूल्य पर कौन कौन सी फसलें जो है किसान जो है खरीद रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री इसका आंकड़ा क्यों नहीं दे, किस बात का डर है? और खुलकर के सीना चौड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बिल का हाउस में समर्थन किया और वाहवाही ले रहे हैं, किस बात की पता नहीं। हम तो उस समय भी देश की जनता को आगाह किया था कि देखो ये पहला राज्य है जहां बिहार में नीतीश कुमार जी ने APMC जो है खत्म किया, मंडी की व्यवस्था खत्म की। मान लीजिए प्राइवेट कंपनी अगर खरीदती है डायरेक्ट किसानों से तो किसानों को कहां जाना होगा, उनका फायदा कैसे होगा? और नेगोशिएशन में अगर बात अगर फंसेगी
तो कितने लेवल पर उनको जाना होगा। और अपने देश में ऐसा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार जो है मुक्त देश हो गया है, वकील भी रखना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा, अधिकारी के पास भी चक्कर काटने पड़ेंगे, कंपनी वालों को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो किसानों के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है इस बिल में। और आप तो देखेंगे एक बीजेपी की बड़ी सहयोगी, सबसे लंबे दौर से जो सहयोगी दल रही अकाली दल, उनके भी एक मंत्री जब केंद्र में मंत्री थे, अभी बिल आने से पहले ही इस्तीफा हुआ। अब तो पद्म भूषण से लेकर के सारे अवार्ड जो है, चाहे खिलाड़ी हो चाहे कलाकार हो या बड़े समाज सेवी हो, सब लोग पुरस्कार जो है वापस कर रहे हैं। फिर भी ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा। देखिए डेमोक्रेसी में खतरा है, और पहले ऐसी परंपरा हमेशा से रही है कि जब भी कोई बात आंदोलन हुआ है तो सरकार जो है बात करती रही है, कम्युनिकेशन रहता है। अब तो मौजूदा सरकार से कोई कम्युनिकेशन नहीं, और इतनी बड़ी समस्या देश के सामने आई है और प्रधानमंत्री जी गायब हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को किसानों की बात मिलकर के सुननी चाहिए थी कि नहीं सुननी चाहिए थी? और हालांकि जब भी जनप्रतिनिधियों का ये काम होता है कि जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, तो वो फैसला जनता का होना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का फैसला होना चाहिए। कोरोना काल है, प्लेन चल रहा है लेकिन ट्रेन नहीं चल रहा, क्या कारण है? क्योंकि रेलवे को निजीकरण कर दिया गया, बल्कि स्कोप ज्यादा ट्रेन में ज्यादा है फिजिकल डिस्टेंसिंग का, अगर प्लेन की मुकाबले या बस की मुकाबले या कार के मुकाबले बात की जाए तो। कोरोना के आग में सभी लोगों को जो है बर्बाद किया जा रहा है मौजूदा सरकार, चाहे देश के नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसाय हो, किसी की पूछ इस मौजूदा सरकार में नहीं हो रही। पूछ तो दूर की बात, कम से कम उनका अधिकार दिलाने की जो बात होनी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही है, उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग लगातार इस चीज को लेकर के चिंतित हैं कि ये कोई मौजूदा स्थिति की बात नहीं। जब किसान के पास जमीन ही नहीं रह जाएगा तो किसान करेंगे, ये पीढ़ियों की बात है। जहां 70-80% देश हमारा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, तो क्या भयावह स्थिति होगी। हम लोगों को भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए, इसलिए हम लोगों को लगा कि हम बिहार के किसानों और बिहार के संगठनों से आपके माध्यम से अपील करें कि सब लोग एकजुट होकर के सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को जो है मजबूत करें। और हम लोगों का दायित्व ज्यादा बनता है, सब लोग हमारे पार्टी के लोग लगातार हम लोग इस चीजों को देख रहे हैं और हम लोगों ने विमर्श भी किया है सभी नेताओं के साथ। कल हम लोगों ने धरने का प्रदर्शन करने का फैसला किया है, और जगह और समय जो है आपको कुछ देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप ही बता दें? नहीं, पटना, पटना में, क्योंकि गांधी मैदान में कल 10 बजे से धरना, राष्ट्रीय जनता दल गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के
क्योंकि ये गांधी के विचारों पर सबसे बड़ा हमला है और जिन्हें सबसे बड़ा आधार भारत का मानते थे, गांव को, खेती को, किसान को, उस पर ये हमला है। इसलिए प्रतीकात्मक हम सबों की कोई शुरुआत तेजस्वी जी का नेतृत्व में कल धरना के माध्यम से गांधी मैदान के गांधी जी की मूर्ति के पास से शुरू होगी। गांधी जी का जिक्र चला, आप लोग सब लोग जानते हैं गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया। नील की खेती जो अंग्रेजों का द्वारा जो कराया जाता था, आज तकरीबन वही स्थिति है कि आपको मजदूर भी बना करके छोड़ा जाएगा, आपको काम करना है लेकिन उनको सम्मान और अधिकार जो बनता है वो नहीं दिया जाए। तो एक बड़ा विषय हम लोगों के सामने है और हमको लगता है कि सरकार जब कहती है तो लिखने में, लिख के देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सरकार ऐसी हो रही है, बिहार की सरकार मुख्यमंत्री जी को देखी भाई, सदन में आप सब लोगों ने रिकॉर्डिंग देखा होगा, कमिटी बनाने की बात की गई थी कोरोना को लेकर के, सदन को ही जब झूठ और गुमराह कर दिया जाता है, जहां बातें नहीं सुनी जाती है, केवल मीडिया में बैठ करके हवा बनाया जाता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे। लगातार हम लोगों का गला फट गया चीख चीख करके, कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिलता। अगला सत्र में मिलेगा जवाब। अरे जवाब होगा तब तो मिलेगा। तो ऐसे सरकार जो झूठी सरकार हो, सदन को ही गुमराह किया जाता है। मतलब पहली बार एक परंपरा चल पड़ी है एनडीए सरकार में, झूठ बोलो, मजबूती से बोलो, शानदार बोलो और बार बार बोलो। जमीनी स्थिति क्या है, हकीकत क्या है, जो अधिकारी दिया उसको पढ़ करके बोल दिया गया, मास्क मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, फिर बोलते हमने तो बोला ही नहीं, जो दिया वो पढ़ लिया, वही काम हो रहा। आप किसके लिए हैं? आप देश की जनता के लिए हैं, बिहार की जनता के लिए हैं। जब बिहार की जनता परेशान है तो आप उस पर लाठी चार्ज करवाते हैं, किसानों पर, नौजवानों पर। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों को लगा कि आप लोगों को बुला करके इसका जिक्र हम सब लोगों को करना चाहिए। और कोई सवाल अगर होगा इससे रिलेटेड, देखिए उन पे आपको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता, तो सरकार बुला करके बात क्यों करती है? सही बात है। नहीं, हम लोग सब लोगों को, हम लोग शामिल थे बिहार विधानसभा में भी, आप लोगों ने देखा होगा धान की खरीद को लेकर के साझा हम लोगों ने जो है प्रश्न उठाए थे विधानसभा में, और इसमें सभी लोगों को अभी फैसला हुआ, सब लोगों को न्योता दिया जाएगा। और जरूर हमारी जो चुनाव में जो लड़ाई थी किन मुद्दों पर थी? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार पर। तो हम लोग तो इस मुद्दे के साथ चुनाव में हम लोग गए, तो हम लोग सब लोग साथ हैं, मजबूती से साथ। थैंक यू। ऐसा नहीं कहा है, बयान देखिए, हमने एक तो बयान सुना नहीं, और कोई चीज बिना सुने हुए, देखे हुए, बिना जांचे हुए
तो प्रक्रिया देना ठीक नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया।